हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक अर्बन ग्रो प्रो पर। दोस्तों, अभी हम फरवरी माह के मध्य में पहुंच चुके हैं और आज बारी है हमारा ये जो ऑर्गेनिक फील्ड है उसको विजिट करने की। आज हम इस ऑर्गेनिक फील्ड की विजिट करेंगे और साथ में देखेंगे कि अभी क्या एक्टिविटी चल रही है और आगे क्या क्या एक्टिविटी हमने प्लान करके रखी है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं क्या एक्टिविटियाँ हो रही है। तो दोस्तों, हर बार की तरह अभी यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो प्लॉट है अभी आपको साफ़ सुथरा दिख रहा है, जिसको हमने अभी सफाई करी है और इसमें से जो हमारी हल्दी थी उसकी खुदाई चालू करी है। हमने क्या किया है, खुदाई करने के लिए ट्रैक्टर से एक जुताई कर ली है और हमारे जो बेड थे उसको तोड़ दिया है और अभी ये जो है हम मैन्युअली उसको बेड में से कलेक्ट कर रहे हैं। तो जो कैरेट में और बकेट में भर के हम इसको इकट्ठा कर रहे हैं, जिसको मैं अभी आपको आगे दिखा रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड ये हमारा ग्रेप का जो बगीचा है, आप देख सकते हैं विंटर की वजह से ग्रेप्स के पत्ते सारे सूख गए हैं। अभी जैसे ही गर्मी बढ़ेगी इसमें नई फुटान आएगी और हम इसमें से नई फुटान लेकर ग्रेप्स लेने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ग्रेप्स के साथ हमने मटर लगाई थी, साथ में तरबूज और टेटी भी लगाई थी, जिसमें से टेटी के पौधे लगभग ख़त्म हो चुके हैं, जिसे हमें विंटर में ट्राई करने के लिए लगाया था। पर मटर में आप देख सकते हो कि मटर काफ़ी अच्छी बढ़ रही है और उसमें काफ़ी अच्छी मटर लग रही है। हम इसमें से रेगुलर हार्वेस्ट भी कर रहे हैं तो हमें मटर की इसमें से ठीक ठीक उत्पादन भी मिल रही है। आगे देखें, ये तरबूज के पौधे जो ठंडी में भी बढ़ के अभी फ्लावरिंग स्टेज पर आ चुके हैं, सो इसमें से हमें अच्छे तरबूज मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अभी आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे गर्मी बढ़ती जाएगी और हमें तरबूज में काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों, आगे हम बढ़ेंगे, यहाँ पे हमारी ककड़ी जो लगाई थी, जो ठंडी के सीज़न में उसमें काफ़ी सारा पीलापन आया था और थोड़ी डिजीज़ भी आई थी, पर अभी आप देखो कि जो नए पत्ते हैं वो फिर से तंदुरुस्त आना शुरू हो गए हैं और आप इसमें ककड़ी कैसे लग रही है वो भी देख सकते हैं। हर बेल पर ककड़ी लग रही है, कहीं पर तो दो दो भी लग रही है एक एक नोड में। तो ये ककड़ी की हमें अच्छी उत्पादन मिल रही है यहाँ पे। तो ये हमारा प्लॉट तो ऐसे था जिसमें हमने मिक्स क्रॉपिंग किया था, जिसमें जो हमारी अंगूर की बेलें थी उसके अंदर इंटरक्रॉपिंग में हमने बेल वर्गीय सब्जियाँ जैसे कि मटर थी और हमने तरबूज, ककड़ी और खरबूजा ये सब लगाया था और ये हो रहा है। ये देखें दोस्तों, ये जो हमारी हार्वेस्टिंग होके टर्मेरिक आ रही है ये है। इस तरह की हमें कई सारी बकेट इसमें से मिलेगी। अभी तो ये सिर्फ एक लाइन की है तो ये करीब 30 से 40 किलो की होगी। इस तरह हमें एक लाइन से ऐसी एक चार लाइनें हमारे एक बेड में है और हमारे पास ऐसे कुल चार बेड है। लास्ट में हम देखेंगे हमें कुल उत्पादन क्या मिला है। इसके बाद दोस्तों, यदि आगे बढ़ेंगे तो ये जो था हमारा नर्सरी, उसमें करीब करीब अभी सब पौधे ख़त्म हो गए हैं, जिसमें हम अभी आने वाले सीज़न के लिए कुछ बैंगन, मिर्च और टमाटर के पौधे तैयार करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये आता है हमारा हाइड्रोपोनिक पोली हाउस, जिसकी अपडेट मैं आपको रेगुलरली अलग वीडियो के माध्यम से अपडेट करता रहता हूँ। यहाँ पे आगे ये हमारी छोटी सी नर्सरी है जहाँ पे हम हमारे ज़रूरत के छोड़ खुद ही पैदा कर लेते हैं। अब जाते हैं आगे वाले फील्ड में। दोस्तों, आगे ये हमारा बगीचा है जिसमें हमने अभी सफाई का काम चालू कर दिया है। उसी समय में इसमें हम कुछ नए प्लांटिंग भी करेंगे। इसके बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा मिक्स फ्रूट का एरिया, जहां हमारे हर अलग अलग वैरायटी के फलों के पौधे लगे हुए हैं। अभी गर्मी चालू हो रही है और आप देख सकते हैं इन पौधों में अच्छे से फ्लावरिंग सेट होना शुरू हो गया है। इसी तरह काफ़ी सारे पौधों में फ्लावरिंग अभी सेट होगी और जिसके फल हमें अप्रैल मई में मिलेंगे। हर जगह फ्लावरिंग बाहर निकल रही है। अभी हम इस जो एरिया है इसकी सफाई करेंगे और इसमें हल्की सी जुताई भी करेंगे और साथ में खाद मिलाएंगे ताकि इन पौधों को अच्छी पोषण मिले और गर्मी के सीज़न में पौधे अच्छी तरह बढ़वा ले लें। तो इसमें ये सारी एक्टिविटी अभी आने वाले दिनों में हम ख़त्म करेंगे। आप आगे भी देख सकते हैं कि सभी जगह फ्लावरिंग है। ये आप देख सकते हैं, ये सफ़ेद जामुन का पौधा जिसमें काफ़ी अच्छी फल सेट हो चुकी है। पीछे कमरक का पौधा है जिसमें कमरक भी लगे हैं और अभी पकना शुरू हो गए हैं, जिसकी हार्वेस्टिंग चालू है। तो
ये सारी फ्रूटिंग अभी हमारी रनिंग चल रही है। इसके बाद दोस्त आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा है नया पाइल, जिसको हम लीफ मोल्ड कंपोस्ट बनाते हैं या स्टेम वगैरह सड़ा के, वो नया पाइल हमने तैयार किया है। पुराना पाइल काफ़ी बड़ा हो चुका था, वो भी यहाँ पे है। अब देख सकते हो हमने कितना बायोमास इकट्ठा किया है। नीचे का पाइल तैयार हो गया था, पर जगह की कमी की वजह से हमने उसके ऊपर ये सारा डगला करके रखा है, ताकि हमें खूब सारा कंपोस्ट बारिश के पहले मिल जाए, ताकि हमारे फील्ड की हम अच्छी तरह नरिशमेंट कर पाए। इसके बाद दोस्तों यदि हम आगे बढ़ के देखते हैं तो ये हमारा अदरक का फील्ड है। जैसे वो वाले फील्ड में हमारी खुदाई चल रही है, कल्टीवेशन किया है, यहाँ पे हमने सफाई कर दी है। हमने ऊपर के सारे जो टॉप थे, चाहे वो घास हो या अदरक के या हल्दी के ऊपर के पौध हो, उसको निकाल दिया है। और अभी हम इसमें ट्रैक्टर से जुताई करेंगे और हल्दी को कलेक्ट कर लेंगे। इसमें ये जो वाला प्लॉट है जिसमें हमने ऑलरेडी खुदाई कर दी है, और इसमें जो बिनाई चालू है ये वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे आम में भी फ्लावरिंग चालू हो गई है, और ये फालसा का पौधा है जिसमें भी हम कुछ ही समय में इसमें प्रूनिंग करेंगे, जिसको मैं आपको अपडेट कर दूंगा। इसके साथ ये जो हमारा जगह है, इसमें भी हमारी जो हल्दी है वो खोद के निकाल लेंगे, और फिर हम आगे के एरिया में बढ़ते हैं। दोस्तों अभी जो हम आगे बढ़ के आ रहे हैं वो हमारा दूसरा बगीचा है, जिसका हम रिनोवेशन कर रहे हैं, और ये हमारा तालाब का एरिया है। पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि ये सारा बहुत सारा वेजिटेशन से भरा हुआ था। अभी हमने इसमें सफाई करी है, हमने जो ज़रूरत से बगैर के पौधे थे उसको निकाल दिए हैं। तो आप हमारा स्टेप गार्डन भी इसमें देख सकते हैं, और ये जो हमने निकाल के रखा उसको भी हम सड़ाएंगे, इसके लिए हमने उसको कलेक्ट करके रख लिया है। इस तरह के आपको काफ़ी सारे पाइल यानी कि ढगले मेरे फार्म में मिलेंगे, जिसमें हम कंटिन्यूसली खाद बनाते हैं और बारिश सीजन में इसको हम फील्ड में लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अभी खुला और साफ सुथरा हो गया है ये एरिया, जिसमें हमने नई बुआई ये जो फूलों वाले पौधे वगैरह है उसकी कर दी है। तो हमें कुछ ही समय में ये भी मिलेंगे, एक और डगला मिल जाएगा आपको, यहाँ भी हम बनाएंगे, और ये तैयार जो डगला है उसको अभी हम खेत में डालने का काम करेंगे। आगे बढ़ेंगे लास्ट में तो हमारा जो नींबू वाला एरिया है, जो पहले अलग से दिखता था, पर अभी आप देख सकते हो कि नींबू का वाला एरिया दिख रहा है। और उससे पहले राइट में ये हमारे जो अलग अलग वेराइटी के सीताफल के पौधे हैं, ये एरिया है। अभी इसमें पत्ते झड़ रहे हैं, हम इसमें पत्ते झड़ने देंगे, अप्रैल मई में इसमें फिर से कटिंग करेंगे, और इस साल हम इसमें ज़रूर से कुछ फल ले पाएंगे। नीचे आप देखो नींबू में, तो इसमें हमने दिसंबर महीने में पानी नहीं दिया था, उसके बाद नई फुटान आ गई है, और इसके बाद अभी हमने पानी चालू किया है। पानी चालू करने के बाद अभी ये क्या करेंगे, इसकी सफाई करेंगे और इसमें भी गुड़ाई हल्की सी कर लेंगे, ताकि हमारे नींबू के पौधे भी अच्छी तरह फल दे। इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है, काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग सेट हुई है, तो हमें गर्मियों के मौसम में अच्छे नींबू मिलने की भी उम्मीद है। तो दोस्तों ये था मेरा जो ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला एरिया है, ये यहाँ पे हमने अलग अलग प्लॉट बना के रखे हैं, जिसमें अलग अलग बावेतर किया हुआ है, और जिसकी अपडेट मैंने आपको अभी ये वीडियो के माध्यम से दी है। दोस्तों आपको ये मेरा फार्म कैसा लगा मुझे कॉमेंट में लिख कर बताइएगा। और यहाँ पर हम कोई एक तरह की खेती करने की बजाय कई तरह की मिक्स खेती कर रहे हैं, जिससे हमें ओवरऑल काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। तो आप भी यदि ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं तो इसी तरह छोटे छोटे टुकड़े में अलग अलग चीज़ें करिए, ताकि यदि आपकी एक चीज़ ख़राब हो तो दूसरी चीज़ों में से भी आपको उसका लाभ मिले। और साथ में जैसे वाटर हार्वेस्टिंग पॉन्ड है, या आप मल्चिंग करें, या आप कंपोस्ट करें, इस तरह की एक्टिविटी करिए, ताकि आपको कुदरती रूप से ही आपकी जो खाद की आपूर्ति है पूरी हो जाए और आपको उसका बेनिफिट मिले। हैप्पी ग्रोइंग।